Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel. Welcome to our today another vlog. Hope so ki aap sab khair khairiyat se honge. Alhamdulillah, we are also fine. Ye dekhiye usne apni halat kya bana diya yaar guys. welcome to our today another vlog and Mia ji. मियाँ जी उस वक्त से अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं. राउंड अबाउट टू और थ्री आवर्स अगो दे आर स्टिल टॉकिंग. मियाँ जी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो वेयर टू गो. ओके. Because I have one person probably not talking so long time and so much part, so much per ticket always finish now. Achha. Then? Then, now we're talking where to go. Just eating? Let's be see. Yao go to Hong Kong. Naughty girl. यार गाइस, ये मेरे मियाँ ने इतना बड़ा बॉक्स मंगवाया, ये देखो रखा हुआ कहाँ पे, जरा इस बंदे को ये चेक करो. मैंने इनको बोला कबर के अंदर रखते हैं, अब बात ही नहीं सुन रहे अभी फिलहाल. इनको मैंने कहा था वहाँ पे रख दे, सामने चीज पड़ी हुई इतनी बुरी लगती है और इतना बड़ा बॉक्स. आई डोंट नो. outside so garam. Of course. Fire to garmi. Right? Yeah. But wrong side, you know where you want to go. अच्छा यार गाइस, हम लोग प्लान बना रहे हैं घूमने फिरने का एंड समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि कुछ जगहों पे मैं नहीं जा सकती बिकॉज मेरे साथ मेरी बेटी है और ये जगह कुछ खतरनाक जगहों पे जा नहीं सकती. और उसको छोड़ें किसके पास, फिर हम खेलेंगे कैसे कहीं ऐसी जगह पे अगर जाते तो कुछ ज़्यादा ये प्रॉब्लम है. लेट्स वी सी वेयर वी गो एंड फिर जब हम प्लान कर लेंगे जाने का तो फिर जो है ना हम दिखाएंगे. वैसे मैंने इनको कहा था कि वहाँ पे एक टर्की रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलते हैं, खाना खा लेते हैं वहाँ से, और वहाँ नज़दीक जो भी कोई जगह होगी वहाँ पे हम चले जाएंगे. बट लेट्स सी उधर जाते हैं या नहीं. फिर मैं जो है ना अपना व्लॉग बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी. एंड आज जो है ना आज का व्लॉग ही घर के अंदर का ही है, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो का हमारा बाहर का ही होगा कि हम कहाँ गए. अच्छा यार गाइस, मैं अभी सफ़र के लिए कार्टून लगा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, अभी मैं इसको सुलाने लगी हूँ. ये देखें गाइज, मैंने सफ़र को अभी इतना प्यारा तैयार किया माशाल्लाह से, इतनी एफर्ट करने के बाद अभी थोड़ी देर के बाद ये सारा कुछ उतार देगी, देखना गाइज. और ये अभी भी इसकी शक्ल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रो रही है. एक तो ये जो प्लांट अब्दुल्ला ने मंगवाया है ना, ये जो भी बोलती हूँ इसमें रिकॉर्ड होता रहता है. इट्स रियली सो फनी. ये हमने सफ़र के लिए लाया होता है, सफ़र इसको देख के खुश होती है, पर अभी सफ़ा का मूड बहुत ख़राब है क्योंकि उसको नींद आ रही है. तो बस अभी उसको सुलाती हूँ. ये देखें गाइस, ये अभी उतारने के चक्करों में. अच्छा बस ये ले गाइस, उतर गया. मुबारक हो, अब खुश हो आप? अब आप खुश हो मुझे इतना बता दो. कितना प्यारा मैंने आपको तैयार किया था बेटा. चले यार गाइस, मैं इसको सुलाती हूँ, उसके बाद हम आते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं. तो यार गाइस, सफ़ा सो के उठ चुकी है और ये अभी जो है ना अपनी मस्तियों में मगन है. और ये इधर जाती होती है, ठीक है, टेबल के पास जाती है ये, और टेबल के पास ये, जबकि हमारा आपको पता है लाइट लगती है इस टेबल पे स्कैनिंग वाली, तो ये उसको ऐसे मारती रहती है और जो है ना लाइट ऑन हो जाती है. ये देखिए, ये इतनी खुश होती है और बार बार यहाँ पे मस्तियाँ करने के लिए इस टेबल पे चली जाती है ये. नो सफा, लुक एट मी, सफा लुक एट मी. और फिर जब यहाँ पे ये फंस जाती है तो फिर ये मुझे आवाज लगाती है, या हमें आवाज जो भी हो यहाँ पे आवाज लगाएगी कि मुझे बाहर निकालो. तो ये हालात है. हेलो प्रिंसेस, हेलो. अच्छा तो यार गाइस, सफ़ा उठ चुकी है. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग.
इतनी भी इनसे छुट गई है। अच्छा आजकल ना ये इस टेबल पे चली जाती है, जाएगी यहाँ पे टेबल के ऊपर जाके बैठ जाती है इनफेक्ट ये, और यहाँ से ये लाइट को ऑन करती है। गाइस ये देखिए अभी भी ये लाइट ऑन करके आई है वहां पे। आपको पता है ये वाला जो टेबल है मेरा, हम सोचते भी ये जो टेबल है मेरा इस पे मेरा फोन चार्ज हो जाता है और जो है ना लाइट भी लगती है। बट जबकि जो है ना मैं अब ये टेबल इतना यूज नहीं करती हूँ, सफा का फीटर वगैरह रख लेती हूँ या कुछ और कुछ भी अब इस पर नहीं रखा हुआ, तो चार्जर वगैरह भी दूसरी साइड पर मैं करती हूँ। तो ये बात है। और यार आज इतनी नींद आ रही है सीरियसली, क्योंकि सुबह यार गाइस सुबह 7 बजे से सुबह जो है ना उठी हुई है, ठीक है, और अभी ये हूँ दोबारा सो के जो है इसने अपनी नींद पूरी कर ली है। बट हम लोगों का क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम नहीं दोबारा सो सकते। ये मैडम अपनी नींद पूरी कर चुकी है सो के। शफा के बाल माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, बस थोड़े से और जल्दी जल्दी बड़े हो जाए ताकि फिर मैं ना यहाँ से पकड़ के ना छोटी छोटी प्याली प्याली पोनियाँ बनाऊँ इसकी। मुझे बड़ा शौक है शफा के बाल बड़े हो जाए। तो यार गाइस ये हालात है। अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या हमने इसके बेड के साथ किया हुआ है, तो यार इसकी ये नेट तो लगाई हुई बिकॉज मच्छर तो होते हैं बीच में से, एक दो मच्छर होते हैं रूम में ना, तो वो किचन की विंडो खुली होती है ना वहां से शायद आते हैं। तो ये बेडशीट का कवर मैंने इसलिए इसके क्या कहते हैं बेड के ऊपर इस तरह बिछाया हुआ है बिकॉज हमारा एसी इधर ही सफा के ना उधर उस साइड पे छत पे लगा हुआ है उस एरिया में, इस वजह से हमने ये लगाया हुआ ताकि उधर से डायरेक्ट जो हवा आती है ना वो सफा को टच ना करे, बिकॉज बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता ना। और जबकि आपको पता है चाइना में तो भाई पंखे की तो कोई जगह ही नहीं है। ये देखे भाई छतों पे वो छत है तो उस पर भी लाइट है, इस पर भी लाइट है, पंखों की जगह नहीं है। तो स्टैंड वाला हमारा एक पंखा है बड़ा प्यारा सा, बट यह है कि वो मम्मी लोगों का है, वो हमारे नहीं है, और इतनी जरूरत नहीं पड़ती फिर जब एसी ऑन है। अभी फिलहाल नहीं है जरूरत इतनी, फिलहाल एसी के साथ रूम ठंडा हो जाता है। बट ये है कि आफ्टर सम लिटिल मोर टाइम आफ्टर कुछ मंथ्स में या लाइक एक दो मंथ्स के बाद जब ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी ना उसमें शायद जो है ना फिर एसी भी इतना ज्यादा नहीं काम करता, बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि मैं बता नहीं सकती कि हमारे ये रूम में सीधी जो है ना सूरज आता है इस कमरे में, इसलिए इस वजह से जो है ना ये रूम फिर जो है ज्यादा ठंडा नहीं रहता, फिर धूप पूरी इस कमरे में आती है ना। तो ये ड्रेस यार आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसका लिया था जब मैं फर्स्ट टाइम जो है ना पाकिस्तान से आई थी, हमने तब लिया था इसके लिए, और 3 मंथ्स की सफर शायद मैंने इसको पहले ये ड्रेस पहनाया था। बहुत प्यारा सा क्यूट सा ड्रेस है, बहुत मजा करता है। ये देखें ये मेरी टेबल तोड़ती रहती है बस इस तरह हर वक्त, इसके ऊपर जाकर ये बैठ जाएगी और खेलती रहती है, और सिर्फ रात में ही अपने बेड पे सोती है, डे टाइम ये हमारे बेड पे सोती है। दैट्स व्हाई जो है ना ब्लैंकेट वगैरह फिर यहीं पड़ी रहती है। ये देखें आप फिर इसने लाइट को जो है ना चेंज कर दिया। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल, लुक एट मी, लुक एट मी सफा, लुक एट मी सफा, इधर देखो बेटा। देखे जी बाबा भी आ गए। हेलो बाबा, चेंज ग्लासेस। अब सफा की रवानगी जो हो रही है बाबा की तरफ भाग रही है। अपनी ग्लासेस पहने ना, मैंने आपके लिए ठीक भी की है यार, ये क्या बात हुई अब्दुल्ला, पहने ना। नो वेट वेट वेट। अच्छा तो गाइस अभी सफा फिर से सो रही है, अभी मैंने इसको तो डाला भी था, उठते तो चली गई है, और जो है ना अभी इसको फिर से नींद आई हुई है, तो वैसे अभी मैं इसको दोबारा ठीक से डालती हूँ। बस मैं पूरा दिन इसके साथ बिजी होती हूँ, सुबह में फिर ये सोती है, फिर उसके बाद उठती है खेलती है, फिर सोती है, फिर उठ के बाद खेलती है, फिरती है, दौड़ती है, खाती है, पीती है, फिर सोती है, इसलिए मैं व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ आजकल। अभी भी देखिए सो रही है। तो चले मैं इसको जो है ना अभी इसकी जगह पर दोबारा इसको डालती हूँ। सो गाइस सफा खेलती रही और अभी हम फिर से हाजिर हो गए। अच्छा यार मेरे पास ना ये छिली मिली पड़ी थी, ये मैं पाकिस्तान से मेरे बैग में आ गई, मैं कुछ चीज़ें मैंने ली थी ना खाने के लिए तो अपने, तो ये भी मेरे पास आ गई। अब्दुल्ला को ट्राई कराते हैं, अब्दुल्ला ये ट्राई करें, ईट इट।
ठीक से खाए ना. Eat it well. कैसी है? So hard. थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही. Pain? Why? Spicy? अच्छा तो यार गाइस, चिली मिली भी इसको कहते हैं अब्दुल्ला. चिली मिली बोले, थोड़ा सोचे बोले. यस, चिली मिली. सो गाइस अभी जो है ना ये रात हो गई हमारी, तो रात का भी थोड़ा थोड़ा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर लेती हूँ. एंड अच्छा मुझे कमेंट आया था कि जी हम मीरा नाम ले. अच्छा तो यार थैंक यू सो मच अली, आप हमारे व्लॉग देखते हैं. थैंक्स अ लॉट एंड सपोर्ट अस लाइक दिस. एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हमें और ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि थोड़ा सा बस टाइम रह गया मेरा. प्लीज़ थोड़ा सा हमारा जो टाइम है ना वो कम्प्लीट करवा दें आप लोग, कि आप लोग व्लॉग देखते रहेंगे तो आपका सपोर्ट हमारे साथ होगा, तो हम भी व्लॉग अपने बनाते रहेंगे. सीरियसली अगर मेरे व्यूवर्स इतने ना होते, जिस तरह से मतलब आप लोग शौक से देखते हैं, आप लोग देखने वाले ना होते, तो मैं व्लॉगिंग कब की छोड़ चुकी होती, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है यार. मैं बहुत थक जाती हूँ. व्लॉग बनाओ विद सफ़ा, देन यू नीड टू डू एडिट एंड दिस एंड दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, हैव सो मैनी थिंग्स नीड टू डू. सो इसलिए बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ. और फिर अब जो है ना घर की भी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, कि घर में जो है ना अभी और कोई नहीं होता. जस्ट फॉर सम टाइम दे आर नॉट एट होम, दे विल बी कम बैक सून. एंड इस वजह से जो है ना घर के भी काम ज़्यादा हो गए इन दिनों, तो इसलिए फिर मेरे लिए ज़रा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है. ये है कि आप लोग ऐसी सपोर्ट करते हैं. और यार डे फर्स्ट से ना जो हमसे प्यार करते हैं ना, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है. राइट अब्दुल्ला, लीव योर फोन, आई एम टॉकिंग विद यू. सो मैनी पीपल सपोर्ट अस, राइट? दे लाइक अस, राइट? से टू देम थैंक यू. Thank you. All of you. Thank you very much. Yeah, thank you very much all of you guys. आप लोगों के सपोर्ट का, प्यार का, और मुझे काफ़ी सारा आप लोगों ने सिखाया भी है. मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि काफ़ी मेरे फैंस ने हम लोगों को जाना सिखाया है. स्पाइसी सिखाया है कि आप ही ऐसे करें वैसे करें, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हमें माशाल्लाह से सिखाया भी है. हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा भी है. एंड मुझे कमेंट भी एक आया था कि आप एडिटिंग भी सीखें, तो यार मैं बस थोड़ा टाइम मुझे कहीं मिल जाए, मैं थोड़ा टाइम निकालूंगी अपने लिए, मैं बैठ के सीखूंगी. टू बी वेरी सून इंशाल्लाह मज़ीद मैं अपने व्लॉग्स को अच्छा बनाऊंगी, और मैं मेहनत करूंगी. क्यों नहीं करूंगी, हाँ इतनी की है तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे. तो बस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा. आपके प्यार का, हर चीज़ का थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फॉर रिस्पेक्ट एंड फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट and also for your praise. Thank you so much, baby. Say to them, thank you. तो guys चलें अब हम vlog को यहीं पे end करते हैं. And tata bye bye, Allah Hafiz. See you in the vlog. Hope so that you will be watch our vlog regular. Bye bye, Allah Hafiz.